करीना और सैफ इन दिनों अपने पटौदी पैलेस में फुर्सत के पल बता रहे हैं। सैफ अली खान को फिल्म इंडस्ट्री में छोटे नवाब कहा जाता है, क्योंकि वो पटौदी रियासत के राजा हैं। पटौदी रियासत के नवे नवाब मंसूर अली खान पटौदी की 2011 में मौत के बाद सैफ अली खान को पटौदी रियासत का 10वां नवाब बना दिया गया था। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के पटौदी में उनका एक भव्य पैलेस है। सैफ को इस पैलेस में छोटे नवाब कहकर पुकारा जाता है, तो वहीं करीना कपूर बेगम साहिबा के तौर पर जानी जाती हैं। पटौदी के नवाब और उनकी बेगम का बैडमिंटन खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। खुद करीना ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। करीना के बॉलीवुड वाले फ्रेंड्स और रिश्तेदार इस पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। सैफ अली खान का ये आलिशान महल करीब 200 साल पुराना है। साल 1804 में पटौदी रियासत की स्थापना हुई थी और तब इस भव्य पैलेस को सैफ के पुरखों ने बनवाया था। उनके पैलेस में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से एक वीर ज़ारा भी है। इस लिस्ट में मंगल पांडे, गांधी माय फादर और मेरे ब्रदर की दुल्हन भी शामिल है। वहीं सैफ के शो तांडव को भी पटौदी में शूट किया गया था। वैसे सैफ का इस पर यह कहना है कि उनके पुश्तैनी घर पटौदी पैलेस में शूटिंग से जो भी पैसा आता है और वो मेरी माँ शर्मिला टैगोर ले लेती हैं, मैं तो सिर्फ नाम का नवाब हूँ। ये सच है कि पटौदी पैलेस की देखभाल सैफ की माँ शर्मिला टैगोर ही करती हैं, वो वहीं रहती भी हैं। हालांकि दिल्ली में भी उन्होंने एक घर ले रखा है। भले ही पटौदी पैलेस की कमाई सैफ की माँ शर्मिला के पास जाती हो, लेकिन कभी पटौदी पैलेस को निमराना होटल्स को किराए पर देना पड़ा था और इसे वापस हासिल करने के लिए सैफ अली खान को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि जो घर विरासत में मुझे मिलना चाहिए था, उसे मुझे फिल्मों से पैसे कमाकर वापस लेना पड़ा। महल को वापस हासिल कर सैफ ने इसको अपने हिसाब से बनवाया और इंटीरियर करवाया। इसके डिजाइन में बदलाव के लिए उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर दर्शनी सिंह की मदद ली। अक्सर सैफ करीना अपने बेटे तैमूर के साथ पटौदी पैलेस में रहने जाते हैं। सैफ अली खान के इस पैलेस को इब्राहिम कोठी के नाम से भी जाना जाता है। पटौदी हाउस हरियाणा के गुरुग्राम से 26 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में है। पैलेस के चारों तरफ हरियाली है। अरावली पहाड़ियों में बसा पटौदी हाउस 200 साल पुराना है। इसको रॉबर्ट टोर रसल ने 1900 के आसपास डिजाइन किया था। उनके काम में ऑस्ट्रिया के आर्किटेक्ट कार्ल मोल्स वॉन हिंस ने सहायता की थी। कहा जाता है पटौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ रुपए है। वहीं पटौदी के परिवार के पास करीब 2700 करोड़ की संपत्ति है। पटौदी पैलेस की डिजाइनिंग बहुत बेहतरीन है। पूरे पैलेस को सफेद रंग से रंगा गया है। इसकी वास्तु शैली कैनॉट प्लेस की इमारतों से प्रभावित है। पैलेस को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। सैफ अली खान का यह पैलेस करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कुल 150 कमरे हैं। इसके साथ ही महल में 7 ड्रेसिंग रूम, 7 बिलियर्ड रूम और खूबसूरत ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम भी है। यहाँ 100 से ज्यादा नौकर चाकर हैं। इस पैलेस में बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है, साथ ही कई सारे अस्तबल, गैरेज और खेल के मैदान बने हुए हैं।